आज हम जो है हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नंबर वन जो कि थी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 का क्या मतलब है कि व्हेन वन एस एक एस ऑर्बिटल हो एंड थ्री पी, पी के तीन ऑर्बिटल्स हों और एक एस का ऑर्बिटल हो और वो आपस में इंटरमिक्स हों, इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी? SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी एक एस और तीन पी ऑर्बिटल आपस में मिलके SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हों तो हम उसको कहेंगे कि प्रोसेस इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस SP3 हाइब्रिडाइजेशन को वी विल स्टडी देयर एग्जांपल्स, जिसमें हमें डिटेल में पता लगेगा। तो पहली एग्जांपल होगी हमारे पास मीथेन की, उसके बाद होगी हमारे पास अमोनिया की, एंड देन लास्ट वन वुड बी दी वाटर। अब हम चलते हैं अपनी पहली एग्जांपल की तरफ जो कि है मीथेन। मीथेन के अंदर SP3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी? अब मैं कार्बन की अगर बात करता हूँ तो कार्बन होता है सिक्स। कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे पास आएगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz में जीरो। ये छह आपके पास जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। दिस इज दी ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं तो हम इसको पहले भी हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ के आए हुए हैं कि ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन उठेगा और वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। मतलब क्या है कि ये जो पेयर्ड है ये अपना पेयर तोड़ेगा और अनपेयर हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz में चला जाएगा। अब जो मेरे पास एक्साइटेड स्टेट आएगी कार्बन सिक्स की, वो होगी ये 1s2, 2s में। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जा चुका है तो ये 1, 2px तो ऑलरेडी 1 था, 2py भी ऑलरेडी 1 था और 2pz में कोई नहीं था, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल से इसके पास आ गया। अब इसके पास अगर इस कंडीशन में देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल, और यहां पर अब कितने हैं? फोर। और फोर कौन से? वन एस है और थ्री पी है। अब क्या होगा, अब जो इनकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनेगी जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह से बनेगी, सी सिक्स इज इक्वल टू 1s2, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो उनसे बाकी के चार आस पास ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह एक सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे एंड दीज आर द फोर SP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये हो गई यहाँ तक आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की। अब आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है फ्रॉम अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन अनहाइब्रिडाइज, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी निकलती है और वो जो एनर्जी निकलती है बाहर वो इस्तेमाल होती है इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो इस तरह से कार्बन के अंदर चार SP3 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो से हैं वो बन गए हैं।
अब ये जो चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं दे हैव इक्वल एनर्जी, इनकी एनर्जी जो सी है वो क्या होगी, सेम होगी। अब हम बात करते हैं अपने मीथेन के स्ट्रक्चर की, जो कि क्या थी, टेट्राहेड्रॉन थी। अगर आपको यही रिकॉल करें आप अपनी वेस्पर थ्योरी, उसमें हमने जब इसकी बात की थी तो हमने कहा था कि हर कोने पे एक जो है बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन का। सिमिलरली टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर है मीथेन का, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ईच sp3 ऑर्बिटल जो अभी हमने देखा वो क्या होगा, विल बी एट दी कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन मतलब टेट्राहेड्रॉन के चार कॉर्नर हैं, तो चार ही हमारे पास sp3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर कोने पर एक sp3 ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा। अब हम चलते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरफ। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या होगी, एस आपको पता है सर्कुलर होता है, और जो पी इलेक्ट्रॉन है वो बाइलोब्ड होता है। जब ये आपस में हाइब्रिडाइज कर जाते हैं तो आपके पास जो sp3 ऑर्बिटल बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि एक बड़ी लोब कुछ इस तरह की एंड अ स्मॉलर लोब। तो ये क्या है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर हम छोटी वाली लोब को जो है वो स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनसे चार हैं मेरे पास कार्बन के केस में, उनको टेट्राहेड्रॉन में बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे बनेंगे। तो जो यहाँ पे छोटी लोब्स थी वो मैंने मेंशन नहीं की, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मली। तो इसकी शेप भी जो है समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज में या फिर जनता है छोटा को मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ ली जाती है। अब जो आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर था कार्बन का अबाउट टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करते थे, हर कोने के ऊपर एक बॉन्ड बनेगा एच के साथ। दिस इज द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। ये कार्बन के जो से चार ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन है और ये इसके चार sp ऑर्बिटल्स हैं। अब ये ऑर्बिटल्स के एंड पे आपके पास हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी अकॉर्डिंग टू VBT। ये हाइड्रोजन का एटम है जो कि इसके साथ आके ओवरलैपिंग करेगा इन चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ, और इन चारों कोनों पे आपके साथ हाइड्रोजन आ जाएगी और मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप रिकॉल करें तो टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो ये एंगल है वो 109.5 डिग्री का होता है। तो हर कोने के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और sp3 ये अब जो ओवरलैप है वो कौन सा है, sp3 ऑर्बिटल का फ्रॉम कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये आप इसको देखें, ये ओवरलैप कौन सा है, दिस इज sp3s ओवरलैप, कि sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह चारों कोनों पे ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज एग्जांपल नंबर 2, अमोनिया की। अमोनिया की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इज 7 और इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी मेरे पास वो होगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1।
अब क्या होगा, ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में इस वजह से नहीं जा सकता कि इसके पास कोई भी पी ऑर्बिटल खाली नहीं है। अगर ये पी खाली होता तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाता। अब इसके पास कोई भी पी का इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं है, लिहाजा अब ये जो उनसे चार हैं जिनमें से तीन अनपेयर्ड और एक पेयर्ड है, ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजरेंगे। और जब मैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइज्ड वो लिखूंगा तो दैट वुड बी 1s2, एंड सिमिलरली पहले में दो हैं और बाकी तीन अनपेयर्ड हैं, और ये चारों क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनमें अमल में आ रही होगी। ये चार जो से हैं डिफरेंट आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, आपस में मिक्स हो गए। सिमिलरली इनकी एनर्जी सेम है। अब ये एस और पी का करेक्टर मिक्स हो चुका है, तो नाउ दे विल बी कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये चार जो से हैं नाइट्रोजन के चार स्ट्रक्चर के तौर पर उसके ऊपर आएंगे। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपके पास नाइट्रोजन का अगर स्ट्रक्चर है तो इसका उसी तरह से दिस वन एंड दिस वन। अब क्या होगा कि इसके जो चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनमें से एक क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और बाकी के तीन क्या हैं, हाफ फिल्ड। मतलब क्या कि जो हाफ फिल्ड हैं इनके साथ सिर्फ बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का, और तीन हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगी, और जो एक कंप्लीटली फिल्ड है दैट विल बी द लॉन पेयर। ये सारी पुरानी बात है, वेस्पर थ्योरी में भी हमने पढ़ी थी। तो ये लॉन पेयर है, यहाँ पर किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आके अटैच होगी, एंड दिस विल बी दी sp3 ऑफ नाइट्रोजन विद दी ओवरलैप ऑफ s ऑफ, ये नाइट्रोजन का है एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो sp3s ओवरलैप होगा तीन जगह पे, और आपके पास तीन जो से हैं वो बॉन्ड्स बन जाएंगे, जबकि ऊपर जो है आपके पास क्या होगा, आपका लॉन पेयर मौजूद होगा। तो दिस इज n एंड दीज आर द थ्री बॉन्ड्स। यहां पर आपके लॉन पेयर है, और यहां पर इन तीन कोनों पर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। अब ये वाला जो एंगल है दैट वुड बी लेसर देन द वन वी स्टडीड इन मीथेन, ये कम होगा, और ये 107.5 डिग्री अब ये होगा, 109 से कम हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने वेस्पर थ्योरी में बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। अगर आपको याद हो वेस्पर के अंदर हमने ये देखा था कि जब लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा, ये तीन बॉन्ड पेयर्स होंगे और ये वाला लोन पेयर है, तो लोन पेयर ज़्यादा जगह लेता है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा रिपेल करता है। जब ये रिपेल करेंगे तो आपके पास जो सा है बॉन्ड एंगल कम होगा, ये अंदर को श्रिंक करेंगे और आपके पास ये जो बॉन्ड का एंगल है ये कम हो जाएगा, और कम होके 107.5 रह जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी द ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये बात भी हम वेस्पर में पढ़ के आए हैं, ट्रायंगुलर पिरामिडल जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा अमोनिया का वो एग्जिस्ट करेगा इन द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, जो कि उनको जो सा है वो कंप्रेस कर देगा। तो ये थी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ, विच इज दी थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल, जो कि है वाटर की। अब वाटर के केस के अंदर क्या होता है, दो लोन पेयर होंगे अब और बॉन्ड पेयर भी दो होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन 8 इसको मैं ग्राउंड स्टेट पे देखूं तो दैट इज 1s2
2s2, 2px भी 2, एंड 2py 1, एंड 2pz इज 1। अब यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, लिहाजा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल फिलहाल नहीं करेगा। लेकिन अब ये जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मैं इसका लिखूंगा O8 का, तो इट विड बी 1s2, और ये चार मेरे पास होंगे S के। ये जो है डबल, यहाँ पर भी डबल और ये खाली, ये अब चार जोन से हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेरे पास बन गए हैं sp3 के, विच आर डीजेनरेट डीजेनरेट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ये जो दो हैं, दीज आर द लोन पेयर्स, एंड दीज टू विल गेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर विल बी मेंटेन। तो इसको जब मैं बनाऊंगा, तो अगर ये मेरे पास ऑक्सीजन है, तो सिमिलरली ये चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इनमें से ये लोन पेयर इसके ऊपर लोन पेयर, और यहाँ पर जो है अब हाइड्रोजन आके अटैच होगी, और ये बॉन्डिंग सिमिलरली उसी तरह कौन सी होगी, sp3 to s ओवरलैप होगा, ये sp3 ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे एंड विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये ऑक्सीजन है, तो अब आपके पास जो है, दिस इज वन एंड वेयर देर इज लोन पेयर, दिस इज वन एंड वेयर देर इज लोन पेयर, एंड दिस एट दीज एंड्स देर यू हैव द हाइड्रोजन अवेलेबल। तो ये जो है आपके पास H2O जो है वो एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, नाउ दिस इज फर्दर श्रिंक, और ये होगा 104.5 डिग्री। ये क्यों हुआ, ये मजीद श्रिंक इस वजह से हो गया कि अमोनिया के केस में एक लोन पेयर था, जिसकी वजह से 107 हो गया था। अब यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर का चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इनको मजीद कंप्रेशन मिलेगा, कंप्रेस होने की वजह से एंगल विल बी शॉर्टन्ड, और जब एंगल शॉर्ट होगा तो आपके पास 107 की बजाय अब ये 104.5 डिग्री होगा। तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। तो यहाँ से अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कि आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो से हैं वो बन जाते हैं, एंड दोज डीजनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म ओवरलैप विद अदर्स टू फॉर्म द बॉन्ड। अब हमारे पास इसकी वजह से, इस डीजनरेट ऑर्बिटल्स की वजह से या इन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हम ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। तो ये था हमारी पहली टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने एग्जांपल स्टडीज की मीथेन की, अमोनिया की एंड वाटर की, जिसके अंदर चार बॉन्ड पेयर थे, इसके अंदर तीन बॉन्ड पेयर थे, और इसके अंदर टू बॉन्ड पेयर थे। इसके अंदर जीरो लोन पेयर था, इसके अंदर एक लोन पेयर था, और इसके अंदर दो लोन पेयर थे। सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो सी ओवरलैप था वो sp3s ओवरलैप था, और इनके जो से करेक्टरिस्टिक एंगल थे वो 109.5 डिग्री, 107.5 डिग्री एंड 104.5 डिग्री। इनको हमने जो है वो स्टडी किया अपनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स के तौर पे। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, उसमें हम sp2
और SP हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग-अलग टॉपिक्स में स्टडी करेंगे और फिर हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।